स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। अब अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक नई चीज सीखेंगे छोटी सी, और जो कि आपके अगर एग्जाम में आ गई तो आपको फिर वो क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, इसलिए हम इसकी यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो कंपनी का यहाँ पर नाम दे रखा है आकाश लिमिटेड। आकाश लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 2021। तो आकाश लिमिटेड के पास अभी की बात कर रहे हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 लाख। ठीक, उसके बाद द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹150। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वो कितना है? 150। मुझे ये बताओ, ये मार्केट प्राइस जो अभी दे रखा है, ये P0 है या फिर P1? तो क्या है ये? P0, क्योंकि ये अभी है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? P0। आगे देखते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ₹8। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अब मुझे बताओ कि ये D0 है या फिर D1। देखो क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेड यानी कि होने वाला है, फ्यूचर से रिलेटेड बात कही है, तो फिर ये क्या होगा बताओ? D1। आगे देखें, द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स टू इज 10%। ये क्या है? ये और कुछ नहीं बल्कि कैपिटलाइजेशन रेट है। कैपिटलाइजेशन रेट को क्या बोलते हैं? अरे, कैपिटलाइजेशन रेट को बोलते हैं KE। ठीक, तो यहाँ पर अपन को क्या क्या मिल गया? P0 मिल गया पहले, उसके बाद D1 मिल गया, और अब हमें KE मिल गया। तो ये चीजें अपन को गिवन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या। तो पहली रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड एंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो हमें दो केस में क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक जब डिविडेंड दिए जाएंगे और एक जब डिविडेंड नहीं दिए जाएंगे। जब डिविडेंड दिए जाएंगे तब अपन उसको क्या बोलेंगे? 8। और जब डिविडेंड नहीं दिए जाएंगे तब वहां पर हम डिविडेंड की जगह लिखेंगे 0। बेस्ड ऑन द मिलर मोदी ग्लियानी अप्रोच, यानी कि MM अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब डिविडेंड डिक्लेयर और डिविडेंड नॉट डिक्लेयर की बात करी हो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये MM अप्रोच की बात कही है। ठीक, अच्छा ये चीज ध्यान है आपको, ये चीज हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी करा था, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 1 जहां से हमने क्वेश्चंस की शुरुआत की थी, और आज जहां पर हम क्वेश्चंस की खत्म कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लास्ट थे, दैट मींस कि जहां से शुरुआत करी थी हम वही आ गए। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज जरूर सीखनी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब इसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द अजम्पशन दैट नेट इनकम फॉर द ईयर इज 3 करोड़ और इन्वेस्टमेंट बजट दे रखा है 6 करोड़। ठीक, तो ये 3 करोड़ क्या हो गया? ये हो गई हमारी अर्निंग, ई फॉर अर्निंग, और ये इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगेन ये भी क्वेश्चन हमें करना है, डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, दो केस में। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड रिक्वायरमेंट में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर। ध्यान आ रहा होगा, हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 चार स्टेप में किए थे, स्टेप 1, 2, 3, 4, और 3 स्टेप में हमने चेंज इन एन निकाला था। याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो नोट्स में भी देख लो, नोट्स में भी स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन नंबर 1 का एक पूरा दे रखा है कि किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है। तो उसमें नंबर 3 में वहां पे दे रखा है कि जो 3 स्टेप है उसमें हमें नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने हैं चेंज इन एन, यानी कि जिसने हम इशू करेंगे। ठीक, अब पार्ट 3 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन अनचेंज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड्स आर नॉट डिक्लेयर्ड। ये तो बार बार बोलते ही रहेंगे कि आपको हर चीज दो केस में सॉल्व करनी है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड और यहाँ पर डिविडेंड नहीं दिया रखा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि इसमें हम एक नई चीज सीखेंगे, तो वो नई चीज क्या है? वो ये है
मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर। जब हमने अब तक एमएम अप्रोच के क्वेश्चंस करे रखे हैं तो वहां पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं बताओ, वैल्यू ऑफ फर्म वीएफ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स के बारे में कि क्या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर दोनों केस में अलग आएगी या नहीं। दोनों केस कौन से, एक में डिविडेंड दे रखा है और एक में डिविडेंड नहीं दे रखा है, तो दोनों केस में मार्केट वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है कि दोनों में सेम आएगी या नहीं। वैसे हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ रखा है तो हमें पता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ फर्म दोनों ही केस में सेम आएगी, क्योंकि जो हमारा एमएम अप्रोच है वो एक इररेलेवेंस थ्योरी है जो कि बोलती है डिविडेंड इज इररेलेवेंट, डिविडेंड दो या मत दो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो तीन पार्ट में हमें ये क्वेश्चन करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें पी वन, उन्होंने बोला था एट द एंड ऑफ द पीरियड की प्राइस बताओ। सेकंड में हमें कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। और थर्ड में हमें कैलकुलेट करके दिखानी है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर वन जैसा है, बस डिफरेंस क्या रहेगा कि स्टेप सेम रहेंगे, स्टेप वन टू थ्री फोर, फोर में थोड़ा सा चेंज रहेगा कि फोर में हम हमेशा कैलकुलेट करते थे वैल्यू ऑफ फर्म, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स तक ही रुक जाएंगे। कैसे होने वाला है क्वेश्चन, तो चलो आओ फटाफट कॉपी पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये आ गए अपन अपनी कॉपी पर, फटाफट लिखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर एक। तो पहले का पार्ट जो था फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो पहले पार्ट में हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड, दैट इज पी वन। तो पहले अपन क्या करेंगे, पी वन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मुझे बताओ कौन सा स्टेप लगने वाला है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लगने वाला है स्टेप नंबर वन, जिसमें हम P0 का फॉर्मूला लगाते थे P0 equals to P1 plus D1 upon 1 plus K। अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दो बार क्यों लिख रखा है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला हमने लिख रखा है when dividends are not paid वाले केस, और दूसरा है when dividends are paid। इसी तरीके से सॉल्व करते थे हम, ये तो नोट्स में भी दे रखा है, बस हमने नोट्स में क्या किया था, पहले सारे नॉट पेड वाला कर दिया था और उसके बाद पेड वाला, है ना। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाहते हो, पहले सारे नॉट पेड वाले कर लो या फिर पेड वाले। तो यहाँ पर पहले पार्ट में उन्होंने पूछा था नॉट पेड और पेड, तो चलो पहले हम करते हैं नॉट पेड वाला। तो यहाँ पर ध्यान रखना है डिविडेंड की जगह हमें क्या लिखना है, जीरो। पी वन हमें कैलकुलेट करना है तो पी वन एज इट इज लिखेंगे, डी वन जीरो रखेंगे क्योंकि कौन सा केस है जब डिविडेंड नहीं पे किया गया, अपॉन वन प्लस के। यही अपन को क्वेश्चन में गिवन था, कितना बताओ 10%, तो ये आ गया 0.10। P0 हमको गिवन था कितना, 150। ठीक, तो P1 रह जाएगा, बाकी यहां पर कौन बचेगा, 15 का इनटू करेंगे 1.10 से। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से समझ में आ गया होगा, तो 15 इनटू 1.1 ये आ गया 165%। 15 यहाँ पर 150 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा P1। ये बहुत बार कर चुके हैं हम, उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और सिंपल मैथ से बस फॉर्मूला लगाया है और उसमें वैल्यूज पुट करे। यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड केस में जब डिविडेंड पे किया गया है। ठीक है, तो अगेन पी वन हमें कैलकुलेट करना है, डिविडेंड कितना दिया था ये क्वेश्चन में गिवन था 8 रुपीज पर शेयर, ये अगेन आ जाएगा के अपना 10%, और P0 हमको गिवन था 150। ठीक, तो एक जगह ले लेते हैं पहले P1 प्लस 8, और ये इधर इधर देखना, ये इधर इधर आ जाएगा अपना, ये क्या गलती हो गई, ये इधर आ जाएगा हमारा 150 का अगेन करेंगे हम 1.1 से, तो 165 आ जाएगा। अब P1 equals to
165 माइनस 8, तो P1 हमारा आ जाएगा 157, सही है। तो पहले स्टेप में हमें सिंपल क्या करना था, कैलकुलेट करना था प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। सारी चीजें अपन को गिवन थी, सिर्फ हमें P1 कैलकुलेट करना था। सिंपल मैथ अप्लाई करा और हमने P1 कैलकुलेट कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट पे। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाई दी कंपनी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम नोट्स के अकॉर्डिंग, इसमें हम पहले स्टेप 2 फॉलो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद स्टेप 3 करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि चेंज इन एन, तो वो तो हम नोट में स्टेप नंबर 3 में करते थे, तो पहले स्टेप 2 क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप 2 क्यों कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमें ये तो पता चले कि हमें पैसे कितने की जरूरत है। ये देखो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कि हमें पैसे की कितनी जरूरत है। एक बार जब हमें ये पता चल जाए कि हमें पैसे की कितनी जरूरत है, उसके बाद ही तो हम नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे फंड रेज के लिए। इसलिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 बहुत जरूरी है करना, ठीक है। तो चलो फटाफट पहले स्टेप नंबर 2 करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें पैसा कितना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करते थे हम, स्टेप नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें एक्चुअल में पैसा कितना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्निंग। अर्निंग हमें कितनी दे रखी थी, 3 करोड़। तो यहाँ पर आसान करने के लिए 3 करोड़ को हम क्या लिखते हैं, अरे पेन कहाँ गया, हाँ आसान करने के लिए इसे हम लिखते हैं 300 लाख, ठीक। डिविडेंड यहाँ पर देना है क्या, तो डिविडेंड यहाँ पर नहीं देना था क्योंकि ऊपर आप देख रहे होंगे कौन सा केस है, डिविडेंड्स आर नॉट पे। तो ये आ गया, यानी कि हमारे पास कितना पैसा है, 300 लाख। और जब हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी तो इन्वेस्टमेंट हमें कितनी करनी थी, 6 करोड़, यानी कि 600 लाख। तो इन्वेस्टमेंट करनी है हमें 600 लाख की, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 300 लाख है। That means कि हमें 300 लाख और चाहिए, हमें 300 लाख और चाहिए, ठीक। अब एक बार हमें ये पता चल गया कि हमें पैसा कितना चाहिए, अब हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 में, ठीक। एक सेकेंड, ये आ गए हम स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड, यानी कि चेंज इन एन। ये चीज थी जो हमसे क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, क्या चेंज इन एन। ये कैसे कैलकुलेट होता है, चेंज इन एन इक्वल्स टू फंड्स रिक्वायर्ड अपॉन P1, यानी कि हमें कितना पैसा चाहिए। तो हमें पैसा चाहिए 300 लाख, और अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, तो ये P1 हमने ऑलरेडी स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट कर रखा था। मुझे बताओ कितना आया था, ये आया था 165, ठीक। अब इसे चाहो तो आप यहीं पर कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन ये पॉइंटों में आता है, तो चाहे तो यहीं पर आप इसे छोड़ सकते हो या फिर इसे पॉइंट्स वाला आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं अब दूसरे केस में, जब डिविडेंड पे किए गए होंगे तब, ठीक। तो यहां पर भी हमें सेम करना है, सबसे पहले फंड्स कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में अप्लाई करके हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अर्निंग्स कितनी थी, तो यहां भी अर्निंग्स 300 लाख थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिविडेंड देना था। कितना डिविडेंड था, डिविडेंड था 8 पर शेयर, है ना, 8 पर शेयर था, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10 लाख, तो ये हो जाएगा 80 लाख, ठीक।
ठीक है, ये 80 लैक्स कैसे आया, 10 लाख इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग थे और 8 पर शेयर हमने डिविडेंड दिया है, तो ये हो गया 80 लैक्स। तो 300 की अर्निंग हुई थी जिसमें से 80 तो हमने क्या कर दिया, डिविडेंड में दे दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 220 लैक्स। ठीक, और हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 600 लैक्स की, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितना पैसा है, 220 लैक्स। दैट मीन्स कि अभी हमें 380 लैक्स और चाहिए। ठीक, समझ में आ रहा है। अर्निंग हुई थी हमारी 300 लाख की, लेकिन हमने उसमें से 80 लैक्स तो डिविडेंड के रूप में बांट दिया, तो हमारे पास कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 220 लैक्स, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करनी है 600 लैक्स की और हमारे पास 220 लैक्स है। दैट मीन्स अभी हमें 380 लैक्स और पैसा चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एन, वही फॉर्मूला, फंड्स रिक्वायर्ड अपॉन पीवल, कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ हमें चाहिए 380 लैक्स। अब ध्यान रखना यहाँ की जो पीवल है वो अलग है, जो हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करी थी वो कितनी थी, 157। ठीक, अब चाहो तो आप इसे यही छोड़ सकते हो और चाहो तो इसे पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हम इसे यही छोड़कर आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 वा था कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। तो यही चीज थी जो इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चन से अलग बनाती है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हर बार क्या पूछा जाता था, वैल्यू ऑफ फर्म, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अच्छा, वैल्यू ऑफ फर्म में हम कौन सा फॉर्मूला अपनाते थे, एन प्लस चेंज इन एन, पी वन प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट अपॉन 1 प्लस के, है ना, वहां पे अर्निंग प्लस इन्वेस्टमेंट ये सब करते थे। लेकिन यहाँ पर हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर्स हैं हमारे उनकी मार्केट वैल्यू बता दो, बस इतना पूछा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स को क्या बोलते हैं, एन, और जो हमारे न्यू शेयर्स हमने इशू किए हैं उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन एन, जो हमने स्टेप नंबर 3 में किए थे। इन दोनों को प्लस करते इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं, और उसको हम अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है उससे इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बहुत सिंपल है, शेयर्स को मार्केट वैल्यू से इंटू कर दो, आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, तो दो केस में करना है, एक बार डिविडेंड पे किया है और एक बार डिविडेंड नहीं पे किया है। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग कितने थे, तो 10 लैक्स, और नंबर ऑफ शेयर्स न्यू कितने इशू करे थे, तो ये 3 स्टेप में हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया था इस तरीके से, 300 अपॉन 165, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग थे और ये थे जो हमने न्यू शेयर्स इशू करे थे। ठीक, इन दोनों को ही किससे इंटू कर देंगे, पी वन से, तो पी वन कितनी थी इसमें, 165। अब इसे कैलसी पर कैलकुलेट करते हैं, तो 300 अपॉन 165 प्लस करेंगे 10 से, तो ये कुछ आएगा 11.8 इंटू करेंगे 165 से, तो ये आएगा 1949। इसको राउंड ऑफ करने के लिए 1 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1950। ठीक, 1950। अब सेकंड केस है, डिविडेंड्स आर पेड, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम ही थे 10 लाख, बस जो हमारे न्यू शेयर्स थे वो अलग थे, वो कितने थे, यहाँ पर इसे हमने स्टेप नंबर 3 में कुछ इस तरीके से छोड़ा था, 380 अपॉन 157। तो ये एग्जिस्टिंग शेयर्स हो गए, ये न्यू शेयर्स हो गए, इनटू कर देंगे पी वन से, पी वन इस केस में था 157, तो अब इसे भी फटाफट इनटू कर देते हैं। 380 को डिवाइड करेंगे 157 से, प्लस करेंगे 10, इनटू करेंगे 157, तो ये आएगा 1949, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1950। हेंस यहाँ पर प्रूफ हो चुका है
कि चाहे आप डिविडेंड दो या मत दो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर सेम रहेगी। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम क्या लिखते थे, चाहे आप डिविडेंड दो या मत दो, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे चाहे आप डिविडेंड दो या मत दो, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर सेम रहेगी। तो एक मैं लाइन लिख रही हूँ, वो आप भी साथ साथ लिखिएगा। ये इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप भी लिख लो। ठीक है, अरे आजा भाई। Hence, it is proof that the total market value of share ये राइटिंग समझ में ना आए इसलिए मैं आपको बोल बोल कर लिखा रही हूँ। रिमेन्स अनचेंज्ड, इररेस्पेक्टिव, ये जैसे उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था ना, उन्हीं की लैंग्वेज में लिख देना है ताकि वो एग्जामिनर भी खुश हो जाए कि हाँ जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे ने भी उसी तरीके से आंसर लिखा है। Whether dividends are declared or writing कुछ ज्यादा ही बेकार आ रही है, not declared। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। Hence it is proved that the total market value of share remain unchanged। यानी कि total market value of share चेंज नहीं हुई है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि यही हमें प्रूव करके दिखाओ कि एमएम अप्रोच में चाहे डिविडेंड दे या नहीं दे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसी रहेगी। तो इस क्वेश्चन में यही नई चीज थी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसे मैं बड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ना कि वैल्यू ऑफ फर्म। इसलिए ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अपनाना है, या अर्निंग और इन्वेस्टमेंट का हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कितना सिंपल फॉर्मूला है कि जितने भी शेयर्स हैं उनको मार्केट वैल्यू से इंटू कर दो। और शेयर्स कितने होंगे, एक तो जो एग्जिस्टिंग होंगे वो, और एक वो होंगे जो हमने स्टेप नंबर 3 में रेस किए थे, जो हमने इशू किए थे फंड्स रेस करने के लिए। ठीक है, तो आज हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। इसके बाद हम आरटीपी एमटीपी बाकी चीजें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।